आज मैं आप सबके लिए बनाई हूँ हेल्दी और टेस्टी से स्वीट्स। तो इस मिठाई को हम मार्केट से लाते हैं, तो उसे हम घर में ही बना लेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन स्पेशल मैं बना रही हूँ आज नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा लिया हुआ है 200 ग्राम, तो इसी की मैं बनाऊंगी। वैसे आप कच्चा नारियल का भी बना सकते हैं, कच्चे नारियल को लेके उसका काला वाला ऊपर का पार्ट छील करके उसे कद्दूकस करके बना लें। यहाँ पे हम काजू लिए हुए हैं, थोड़ा सा काजू को हम पीस करके इसमें डालेंगे, तो इससे जो है लड्डू का स्वाद और अच्छा हो जाएगा। और चीनी को हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है, चीनी को हम ऐसे ही डालेंगे। तो सबसे पहले हम काजू को ही पीस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम 200 ग्राम लिए हुए हैं नारियल का बुरादा, उसमें से 2 चम्मच हम निकाल लेंगे, क्योंकि नारियल के लड्डू तैयार होने के बाद उसमें हमें सूखा नारियल का बुरादा चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो इससे ना निकालें, आप उधर से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे काजू को सबसे पहले हम पीस लेते हैं और पीस के रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काजू को हमने कितना महीन करके पीस लिया है, इसी तरह से हमें पीस लेना है। और इसे अब हम रख देते हैं साइड में और चलिए यहाँ लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई को हम रखेंगे गैस पे, कढ़ाई हल्का सा गर्म हो गया है, इसमें हम घी को दे देते हैं और घी को मेल्ट होने देंगे और गैस का फ्लेम सबसे कम कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे। सारे प्रोसेस को हमें जो है ना कम गैस का फ्लेम में ही करना है, ज़्यादा तेज़ आँच हमें इसमें नहीं रखना है। इस तरह से घी को डाल करके सारे नारियल का बुरादे को हम मिला देंगे घी में, इस प्रकार से देखिए चलाते हुए मिलाते हुए जाएंगे हम, और इसी तरह से हम मिला देंगे। तो इसे हम आप कम ही गैस पे करें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है तो बहुत जल्दी जलने लगती है, इसीलिए कम गैस का फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे ना तो ये जलेगी नहीं अंदर से, तो इसीलिए यहाँ पे इसी तरह से देखिए हम चलाते रहे हैं। और यहाँ पे हम डेली जो यूज़ करते हैं सब्जी बनाने, वही कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई तो उसमें बनाएं, और भी आसान होगी उसमें बनाने में, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसी तरह से चलाते जाएंगे, और हल्का सा जब ये इसका खुशबू चेंज होने लगे, हल्का सा हाथों में तेल टाइप का लगने लगे, तो हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे देखिए हम दूध को डाल दिए, आधा गिलास यहाँ पे हम दूध लिए हुए थे, इसे हम मिला दे रहे हैं। और एक ही बार में आप ज़्यादा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। एक बार में हमने आधा गिलास डाला, उसके बाद आधे से भी आधा डाला, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालें और मिलाते जाएं इस टाइम। तो इस दूध को हम सारे दूध को मिला देंगे नारियल में, उसके बाद इसमें अब हम डालेंगे चीनी। तो चीनी को हमने पीसा हुआ नहीं है, पहले ही हमने बोला आपको, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह का चीनी डाल देंगे, और ये सारे मेल्ट हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे लड्डू में। तो मिठास तो नारियल में अपने ही होती है फ्रेंड्स, इसमें कम ही चीनी डालें तो अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे, उसके बाद जो काजू पीस करके रखे उसको डाल दे रहे हैं, काजू के पाउडर को भी हम इसमें डाल करके मिला दे रहे हैं। अब इसमें हमें जो डालना है वो मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया हुआ है मिल्क पाउडर, जैसे कि 2 कटोरी नारियल का बुरादा लिए हुए थे हम, तो 1 कटोरी यहाँ पे ले रहे हैं नारियल, सॉरी यहाँ पे दूध ले रहे हैं हम, सूखा दूध पाउडर। तो दूध को आप, दूध जो हमने डाला हुआ है उसमें भी पाउडर को घोल करके डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस टाइम हमें थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे ना तो मिलाना पड़ता है, और दूध में घोल करके डालेंगे तो उसमें इतना मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सारे को मिलाते जाएंगे, और सारे गैस का फ्लेम जो हमें कम ही रख के हमको सारा प्रोसेस इसमें करना है। थोड़ा सा चाहे तो इलायची पाउडर भी आप इस टाइम डाल सकते हैं, लेकिन नारियल में तो अपनी ही खुशबू रहती है, तो हम इलायची पाउडर डालेंगे अभी नहीं, कढ़ाई को नीचे करके और उसके बाद उसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये नारियल का लड्डू बनने के लिए परफेक्ट हो गया, तैयार हो गया है। हाथों में थोड़ा सा इस प्रकार से लेकर के देखेंगे लड्डू बनने लायक हो गया है, हम कढ़ाई को नीचे कर लेंगे। कढ़ाई को हम नीचे कर लिए, थाली में रख लिए, हल्का सा बस इसे ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना करना है कि हम छूके से लड्डू बना सकें, बस इतना ही हमें ठंडा करना है। अगर ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा ना तो इसका लड्डू बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा हरी इलायची का कूट करके हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसे मिला देंगे इस तरह से। तो हरी इलायची को आप कढ़ाई में भी डाल के मिला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेके और मिला दे रहे हैं। अब इस तरह से हम लड्डू को बना लेंगे, देखिए हाथों में लेकर के,
साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज में ही इस लड्डू को बनाएं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसे गोल कर लेंगे अच्छी तरह से, हाथों से इस बकास करेंगे ना, चारों तरफ से अच्छी तरह से ये गोल हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ सूखा नारियल का बुरादा में से डाल देंगे और इस तरह से हिलाएंगे, तो ये क्या होगी, अपने आप ही लगेगी इसमें बुरादा। तो वो हाथ से जो हम मिलाएंगे उससे अच्छी इस तरह से लगती है, इस तरह से हर जगह लग जाता है उसका बुरादा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम सेम दूसरे को भी इसी प्रकार से गोल करेंगे और उसके बाद नारियल का बुरादा में डाल के उसमें मिला लेंगे, देखिए इस तरह से, और हाथ भी हमारा गंदा नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से ये बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने सारे लड्डू को बना के रख लिया है, देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। इस पर हम थोड़ा सा पिस्ता बादाम से गार्निश कर देंगे, जो कि हमारे लड्डू देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसमें किसमिस से भी कर सकते हैं गार्निश, तो हमारे लिए कोई भी फेस्टिवल में हम इसे बना सकते हैं या फिर घर में भी ऐसे बना के हम रख सकते हैं। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में इस तरह से लड्डू बनाएं और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुकिंग का वीडियो थोड़ा सा बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, सो इसीलिए। तो ये देखिए लड्डू का लुक कितनी टेस्टी लग रही है, तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगी। आज का वीडियो यहाँ तक, बाय बाय, टेक केयर।